Namaste Mumbai, welcome to the family of Mumbai Portraits and thank you guys so much for coming back on our YouTube channel. It means a lot to us. I am Krrish, I am your host for Mumbai Portraits and Portrait Meetup powered by Zoria Studio and the Wishlist Store. तो आज जैसे कि आप जानते हैं थर्ड चैलेंज है. पहले दो चैलेंज ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट थे और ये चैलेंज सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है. तो एज यू गाइस नो हमारे पास है थ्री वेरी टैलेंटेड फोटोग्राफर्स फ्रॉम मुंबई एंड अ गॉर्जियस मॉडल फ्रॉम मुंबई. तो मिल लेते हैं फोटोग्राफर्स से. और फर्स्ट फोटोग्राफर इज़ भाविन फ्रॉम घाटकोपर. हाय भाविन, सो टेल मी हाउ डू यू फील अबाउट थर्ड चैलेंज. अभी एक्साइटेड तो हूँ लेकिन थोड़ा सा थक गया हूँ. या थके तो अभी सभी लोग थक गए. नहीं वो तो है अभी, लेकिन चैलेंज तो पूरा करना पड़ेगा. या वो तो करना ही पड़ेगा. काफ़ी एक्साइटेड हूँ. अभी एक तो लास्ट टास्क है, एकदम डिफिकल्टी होगा. देखते अभी कैसा करता हूँ मैं. ओके चलेगा. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. और सेकंड फोटोग्राफर इज विनीत फ्रॉम भाईंदर. हाय विनीत. हाय, हाउ आर यू? गुड. सो टेल मी कैसा लग रहा है सेकंड चैलेंज के बारे में? सॉरी थर्ड चैलेंज. सो यार थर्ड चैलेंज ऑब्वियसली टफ होगा फर्स्ट एंड सेकंड से थोड़ा सा. और ऑब्वियसली विल बी मेकिंग इट थोड़ा सा और टफर, बट आई एम श्योर इट विल बी मोर क्रिएटिव देन द फर्स्ट एंड सेकंड. सो या इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, हम लोग के लिए भी अच्छा होगा. प्लस कुछ और नया एक्सप्लोर करने मिलेगा. सो या लाइक लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द थर्ड चैलेंज. ओके चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सो आवर थर्ड फोटोग्राफर इज मोहित फ्रॉम कांदिवली. कम. हाय मोहित. हाय क्रिश, हाउ आर यू? फाइन. सो टेल मी कैसा लग रहा है? कुछ बोलने के लिए है नहीं. थर्ड बहुत हार्ड होने वाला है, बता देता हूँ मैं सबको. और सेकंड चैलेंज कैसा था? सेकंड भी हार्ड था. हमें लगा कि हम लोग ऐसे कर सकते हो, फिर उसने तुम्हें ऐसे नहीं हो सकता ऐसा. अच्छा है, मतलब दिया है तो समझ गया. अभी थर्ड चैलेंज क्या लगता है, कैसा हो सकता है? थर्ड चैलेंज विल बी टफ एज दिस इज द लास्ट एपिसोड एंड लास्ट सीरीज. तो मैं मुझे उतना तो है तुझ पे कि तू इजी तो देगा नहीं, सबसे टफ देगा. तेरे पास थोड़ा टाइम भी बचा है तो इट विल बी टफ. बट जितना भी टफ होगा इट विल बी चैलेंजिंग. लेकिन वो चैलेंज को अगर एक स्टेप क्रॉस कर सकते तो उसका रिजल्ट आई एम श्योर कि बहुत अच्छा आ सकता है. तो अच्छा है, बहुत सीखने मिला. आई विल सजेस्ट फोटोग्राफर्स कि अगर ऐसी चैलेंजेस और सीरीज आ रही है तो आप आओ. अगर आपको लगता है कि आप में टैलेंट है तो आपका टैलेंट पॉलिश होगा यहाँ पे. और आपको लगता है कहीं ना कहीं दैट यू आर गेटिंग डिस्टर्ब, तो आपको वेज मिलेंगे नए नए शूट करने के लिए. सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर इसमें मुझे कुछ सीखने मिल रहा है तो एज ए लास्ट होगा. लेकिन जो भी है चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करने के लिए रियली तैयार हूँ. जो भी हो मैं नर्वस नहीं हूँ, लेकिन जो भी है आ रहा है तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ. ओके थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आपके वर्ड्स के आपके वर्ड्स के बेसिस पर ही नितिन फोटोग्राफर्स में से किसी एक को मिलेगा फोटोग्राफर ऑफ द सीरीज का टाइटल और एक छोटा सा गिफ्ट फ्रॉम द विशलिस्ट स्टोर. तो लेट्स मीट आर मॉडल नाउ. आर मॉडल फॉर द डे इज करिश्मा फ्रॉम अंधेरी. हाय करिश्मा. हेलो अगेन. सो टेल मी कैसा लग रहा है थर्ड चैलेंज? थर्ड अभी समझ में नहीं आ रहा है थर्ड क्या हो सकता है, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें तुमने कवर की है तुम्हारी पहले वाली सीरीज में भी. yeah, obviously. और आज भी जो दो थे सब नया नया हर बार किया है. तो चलो देखते हैं क्या होता है थर्ड वाला. ओके एक्साइटेड और नर्वस? एक्साइटेड, नाउ आई एम एक्साइटेड. ओके बिकॉज अभी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया ना. क्या कर सकते हैं क्या नहीं, फोटोग्राफर्स पे से भरोसा हो गया है. काफ़ी क्रिएटिव है, कर रहे हैं अच्छे से. तो नाउ आई एम जस्ट एक्साइटेड. ओके चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. सो अब बात करते हैं चैलेंज की. तो गाइस आर यू रेडी टू लिसन द थर्ड चैलेंज, थर्ड एंड लास्ट चैलेंज ऑफ सीरीज एंड द सीजन. ये सीजन का सबसे लास्ट वाला चैलेंज है. शायद इजी हो सकता है, शायद डिफिकल्ट हो सकता है, आई डोंट नो, देखते हैं. ओके सो रेडी टू लिसन. सो आपका लास्ट चैलेंज थर्ड चैलेंज है अनकॉमन बैकग्राउंड. इजी लग रहा है? नहीं इजी नहीं, लेकिन थोड़ा मैंने जैसे कहा था अगर समझ गए तो बहुत अच्छा आएगा कंटेंट, अगर नहीं समझे तो जाओगे. ओके तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी. अनकॉमन बैकग्राउंड मतलब क्या? तो आज तक जितने भी बैकग्राउंड्स यूज़ किए जा चुके हैं पोर्ट्रेट्स में या फिर किसी भी चीज़ में बोलो, तो आपको बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना है, आपको बैकग्राउंड क्रिएट करना है पहले. ओके यू हैव टू क्रिएट अ बैकग्राउंड फ्रॉम एनीथिंग, जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है उसके साथ में आपको बैकग्राउंड क्रिएट करना है जो आप आज तक कभी क्रिएट हुआ नहीं है, फिर किसी ने यूज़ किया नहीं है, राइट? तो आपको वो बैकग्राउंड क्रिएट करना है एंड उसके साथ में मॉडल को शूट करना है. एज यू गाइस नो इनके पास सिर्फ एक ही मिनट होने वाला है ये चैलेंज बीट करने के लिए. सो लेट्स गो एंड वॉच हु कैन बीट द चैलेंज.
Hi. Hi. So tell me, कैसा था experience third challenge का? Overall challenge का बहुत सही था. Like मैंने सब चीजें पहले नहीं की हैं. I'm doing this for the first time. So मुझे भी पता चला कि what are the variations in photography, क्या-क्या नया कर सकते हैं, क्या explore कर सकते हैं, क्या उनको challenge कर सकते हैं. Especially third वाला बहुत tough था मेरे लिए because surroundings को लेके बोलते हैं uncommon background बनाना बहुत tough था because open environment था. हम लोग किसी चीज़ को छेड़खानी नहीं कर सकते थे, किसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉप नहीं ला सकते थे. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक कि कैसे करें कैसे करें. बट बाकी तो फोटोग्राफर ने हेल्प किया, कुछ आइडियाज दिए. ऑलमोस्ट एक घंटा लगा रहा है, ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटा. लाइक बट या वो बहुत सही एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. नहीं नहीं कट. टेन सेकेंड्स लेफ्ट. फाइव फोर थ्री टू वन. सो हाय मोहित, टेल मी कैसा था एक्सपीरियंस थर्ड चैलेंज? मैंने कहा था कि ले लेगा ये हमारी जो भी था. मुझे पता था, पक्का पता था कि इतना डिफिकल्ट रहेगा. जितना मैंने उसको सीरियसली लिया उतना ही सीरियस, मतलब उतना ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिला. मुझे अगर तू कोई लाइट चीज़ देता तो मैं इतना दिमाग नहीं दौड़ा था कि क्या करना है. एक सेकेंड के लिए मैं ब्लैंक हुआ जब तूने कहा कि बैकग्राउंड क्रिएट करना है. तो मैं सोच रहा हूँ क्रिएट कैसे करूँ. रात होता तो स्लो शटर से कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए. ए लाइफ में मैंने फर्स्ट ऐसा फोटो कोई खींचा रहेगा विद ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स. बचपन से इच्छा था एक ऐसा खुद का भी खींचाऊंगा. स्टिल दिस सीरीज हैज गॉट मी समथिंग कि अगर मैं खुद को फोर्स करूँगा ना आगे तो आई थिंक सो. कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे में लेजीनेस आई है, नहीं आ रहा. आई कैन फोर्स माई सेल्फ फॉर सच ऑब्जेक्ट्स कि हाँ मुझे ऐसा शूट करना है, ऐसा कर सकता हूँ. आई कैन बिकम मोर क्रिएटिव इन सच वे. बट एनी वेज चैलेंज टफ था. बाकी दोनों फोटोग्राफर्स ने बहुत अमेजिंग काम किया. आई रियली थैंक्स टू भाविन एंड विनीत, बहुत हेल्प की दोनों ने मुझे सेटअप करने के लिए. एंड अमेजिंग सिनेमाटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल. वन थिंग इज ऑल्सो गुड फॉर द मॉडल कि उसका जो कोपअप था हमारे साथ बहुत ही अच्छा था. मतलब आई हैव सीन मॉडल्स दो फोटोग्राफर्स के साथ काम करके उनका माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाए, बट शी वॉज फाइन विद द पोजेस. उसको हवा आ रही है, चीटी काट रही है, एंड शी हैज रियली डन अ ग्रेट वर्क. सो हैट्स ऑफ टू यू मैन. सॉरी वुमन. ओके, तो पूरे मीटअप का एक्सपीरियंस अमेजिंग. कल मुझे लग रहा था आज मेरा इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आया, ठीक है. बट स्टिल अगर काम छूटा है, जो भी हुआ है मेरे लिए बेस्ट हुआ है. आज का दिन बहुत कुछ सीखने मिला. ओके, इट वॉज अमेजिंग. थैंक्स टू क्रिश, मुंबई पोर्ट्रेट फैमिली. अमेजिंग एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ देम. Wishing to see you guys again with some good work, acha content, logos are different, and we'll always work with you guys. Thank you so much, Krrish. Thank you so much. Thank you so much.
दिस मीटअप इज पावर्ड बाय जोरिया स्टूडियो एंड द विशलिस्ट स्टोर. जोरिया स्टूडियो इज एन ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर. अगर आपको कोई भी ड्रेसेस परचेज करने हैं देन यू कैन श्योरली चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिकॉज गुड डेज स्टार्ट विद ग्रेट आउटफिट्स एंड जोरिया स्टूडियो हैज ग्रेट आउटफिट्स इन द कलेक्शन. सो यू कैन श्योरली चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड द विशलिस्ट स्टोर इज एन ऑनलाइन गिफ्ट शॉप. अगर आपको कोई भी लॉकेट्स या फिर कोई भी गिफ्ट टाइप अगर कुछ भी परचेज करना है देन यू कैन श्योरली चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिकॉज उनके पास बहुत ही यूनिक वर्की मैजिकल और क्यूट से स्टफ है. So you can surely check out the link in the description. हाय भाविन, टेल मी कैसा था एक्सपीरियंस थर्ड चैलेंज का? थर्ड चैलेंज काफ़ी टफ था. वो कंसेप्ट समझने में इतना टाइम लग गया. मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा था अनकॉमन बैकग्राउंड तो वो सोचने सोचने में इतना टाइम लग गया तो अंधेरा हो गया. शायद आपने दो तीन बार चेंज भी किया राइट? पहले कुछ और करते बाद में चेंज करके या फर्स्ट फ्रेम जो अच्छा नहीं बन रहा था फ्रेम चेंज करके सेकंड फ्रेम में सेट किया. ठीक है, काफ़ी चैलेंजिंग था. मतलब उतना माइंड माइंड खराब कर रहा. हाँ, खराब हो गया. मैं भी इन लोगों के साथ दिमाग खुश रहा था क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. काफ़ी एकदम अच्छा लगा. मतलब पूरे मीटअप का एक्सपीरियंस कैसा था? पूरा मीटअप का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. मतलब स्टेप बाय स्टेप चैलेंज एकदम टफ होती गई. काफ़ी अच्छा था चैलेंज. ओके, थैंक यू सो मच. हाय करिश्मा, सो टेल मी कैसा था एक्सपीरियंस थर्ड चैलेंज का? थर्ड चैलेंज ठीक है, बहुत मतलब कुछ अलग ही था ये वाला. लाइक कि मतलब ट्राई कर रहे थे बट जो भी आइडिया सोच रहे थे पहले बाद में स्क्रेप हो जा रहे थे. तो काफ़ी टाइम लग रहा था मतलब फिगर आउट करने में कि क्या करे सबको. एंड मुझे भी लाइक ये करने में कि ठीक है बैकग्राउंड बना रहे हैं बट हाउ शुड आई रिएक्ट टू दैट बैकग्राउंड कि हर बैकग्राउंड के साथ कैसे बदलना एंड ऑल. यू लर्न समथिंग? या आई लर्न्ड अ लॉट. लाइक नॉर्मली जब हम कंसेप्ट शूट करते हैं या फिर शूट करते हैं तो एक या दो दिन पहले सब फोटोग्राफर से क्या कंसेप्ट है सब डिटेल्स आउटफिट्स क्या है लोकेशन क्या है सब डिटेल्स लेते हैं ताकि एज अ मॉडल मुझे प्रिपेयर करने में टाइम मिले. कि और मैं मतलब कुछ ना कुछ सोच के रखती हूँ कि आई कैन डू दिस आई कैन लाइक रिएक्ट लाइक दिस और आई कैन एक्ट लाइक दिस ऐसे पोज कर सकते हैं सोच के रखते हैं. बट हियर एवरीथिंग वॉज इन लाइक वन मिनट में करना था तो इतना ऑन द स्पॉट कुछ सोचना या आई हैव ट्राई टू गिव माई 100%. सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड कि हाउ द फोटोज कम आउट. ओके, ऑडियंस तो ऑलरेडी देखे रहेंगे. ओके, तो आपके पूरे मीटअप का एक्सपीरियंस कैसा था? पूरा मीटअप वॉज लाइक इट वॉज वर्थ द एंटायर डे स्पेंड. एंड लाइक ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की है कि लाइक मुझे एक साल हो गया अभी मॉडलिंग में तो तब से आज तक लाइक इतना एक दिन में इतना कुछ क्रिएटिव मैंने पहली बार किया होगा कि हर एक चीज़ नई नई तीन चैलेंजेस सब कुछ. तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू. तो वी आर डन विद द शूट नाउ और जैसे कि आप सबने देखा इन फोटोग्राफर्स ने कैसे इस थर्ड चैलेंज को बीट किया. इस सीज़न का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंज था ये. मैं भी पछता रहा था कि ये चैलेंज देखे बिकॉज लाइट कंटिन्यूसली डाउन हो रही है एंड हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सोचने के अलावा. हम लोग एक डेढ़ घंटा सोच रहे थे कि क्या करें. तो इन्हें वोट करने के लिए आपको सिर्फ एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में. आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और आपका वोटिंग कम्प्लीट हो जाएगा. मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में विद फोटोग्राफर ऑफ द सीरीज़. तो थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. मेरे फेसबुक जो आप मुंबई पोर्ट्रेट्स का लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. टिल देन नमस्ते मुंबई.